हिंदू युवा वाहिनी भारत और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने फेसबुक पर एक दूसरे संगठन पर कटाक्ष करने का मामला मंगलवार को तूल पकड़ लिया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। राजघाट थाने पर जमकर बवाल हो गया। मामले पर पहुंचे एसएसपी शलभ माथुर, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़ सहित कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों पर हल्की लाठीचार्ज कर मामला शांत कराया। आपको बता दें कि विवेक सूर्या और तथाकथित हिंदू युवा वाहिनी भारत के महानगर गोरखपुर के संयोजक चंदन विश्वकर्मा आपस में फेसबुक पर कमेंट और जवाब सवाल को लेकर बीती रात बवाल हो गया था, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्ष को थाने में बुलाई, मगर पुलिस के ऊपर तथाकथित हिंदू युवा वाहिनी भारत का आरोप है कि जबरियन तहरीर चंदन विश्वकर्मा के खिलाफ लेकर सलाखों के पीछे भेज दिया। जब इसकी जानकारी तथाकथित हिंदू युवा वाहिनी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह को लगी तो अपने समर्थकों के साथ राजघाट थाने पहुंच गए और बंद कार्यकर्ताओं को छुड़ाने की मांग करने लगे। हंगामा होता देख पुलिस ने सुनील सिंह सहित उनके कार्यकर्ताओं पर हल्की लाठियां भाजी और भीड़ को तितर बितर किया। साथ ही तथाकथित हिंदू युवा वाहिनी भारत के अध्यक्ष सहित 8 कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने कहा, जो एक तथाकथित हिंदू युवा वाहिनी भारत करके है उसके कुछ लोगों के द्वारा धमकी दी गई, थ्रेटन किया गया, जिसका ऑडियो जो है इस व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध कराया गया। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया था और दौरान विवेचना जो है इसके अंदर जो धमकी देने वाले एक मुख्य व्यक्ति उसको गिरफ्तार किया गया चंदन। तो ये हिंदू युवा वाहिनी भारत करके जिसकी तरफ से धमकी दी गई थी, इनके कुछ कार्यकर्ता थाने पर आए और शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में थाने के ऊपर राजघाट के ऊपर ये दूसरा अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और इसके अंदर जो तथाकथित संगठन है इनका हिंदू वाहिनी भारत करके, इनके जो सुनील सिंह हैं और अन्य 8 लोग, टोटल 9 लोग की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा एक अभियोग जो है थाना राजघाट में जो इनके द्वारा पथराव किया गया एक गाड़ी के ऊपर, उस संदर्भ में भी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसके अलावा थाना कोतवाली के अंदर नगर निगम के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसके अंदर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है कि युवा वाहिनी भारत के कुछ लोगों के द्वारा विगत समय में वहाँ पर सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया। इस संदर्भ में थाना कोतवाली के अंदर भी सरकारी काम में बाधा व अन्य सेक्शंस के अंदर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। कुछ लोगों की वीडियो फुटेज हम लोग को प्राप्त हुई है। वीडियो फुटेज के प्राप्त होने के अलावा LIU से भी हम लोग को कुछ लोगों की जानकारी हुई है और जो बाकी लोग हैं जो इस तरह से शांति व्यवस्था जिन्होंने भंग करने का प्रयास किया है उनके खिलाफ भी सुसंगत धाराओं के अंदर जो है गिरफ्तारी की जाए। अब तक कितने लोग गिरफ्तार? अभी तक टोटल 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
अज्ञात में भी कुछ लोग हैं, कुछ करीबन 40 से 50 की संख्या में हमें अज्ञात है। कुछ लोग इसके अंदर और नामजद हैं जो कि हमारी जानकारी में आ चुके हैं, और बाकी जैसा मैंने बताया वीडियो फुटेज और बाकी अधिसूचना तंत्र और पूछताछ के अंदर जो चीज़ें निकल के आती हैं उनके खिलाफ़ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।